बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 36 लेक्चर है। चैप्टर नंबर 6 डोजेज फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। डोजेज फॉर्म में टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म जो है वो हम लेक्चर्स में जो है वो हमारा स्टडी कर रहे हैं लास्ट लेक्चर से। पार्ट 9 है डोजेज फॉर्म का। आज हम नेक्स्ट डोजेज फॉर्म जो है वो स्टडी करते हैं। डोजेज फॉर्म में हमने लोजेंजेस, सिरप, सस्पेंशंस, एलिक्सर्स, लोशंस एंड पाउडर्स जो है वो स्टडी कर ली है। 6 डोजेज फॉर्म हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आज हम ऑइंटमेंट्स को स्टडी करेंगे। आज हमने ऑइंटमेंट्स को स्टडी करना है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑइंटमेंट्स जो हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, सॉफ्ट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है ये। इनको ऑइंटमेंट्स को एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है स्किन के ऊपर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे। इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। या तो स्किन को जो है वो सूद किया जाता है इरिटेशन हो रही है तो, या फिर मेडिकेशन जो है मेडिकेटेड ऑइंटमेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट कंडीशन में। फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो गई है, एक्जिमा है या और डिफरेंट कंडीशन है तो तब जो है वो ऑइंटमेंट यूज़ की जाती है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल ऑइंटमेंट की पॉलीफेक्स है। पॉलीफेक्स जो है वो कॉमनली यूज़ की जाती है ऑइंटमेंट। कट्स हो गए, कोई ज़ख्म हो गए तो उसके ऊपर जो है वो पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट जो है वो यूज़ की जाती है। सो बेसिकली ऑइंटमेंट्स जो है वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हैं जिनको एक्सटर्नली स्किन के ऊपर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इसकी आगे डेफिनेशन देखते हैं ऑइंटमेंट की। डेफिनेशन, ऑइंटमेंट्स आर सॉफ्ट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन और ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन। सॉफ्ट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो है वो की जाती है इसकी टू स्किन और ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है या म्यूकस मेम्ब्रेन। अब म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो आईज़ हमारी जो है आँखें हैं, आईज़ में जो है ऑइंटमेंट्स को यूज़ किया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये ऑइंटमेंट है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन और ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑइंटमेंट्स आर ग्रीजी प्रिपरेशन, दे आर फॉर एक्सटर्नल यूज ऑनली। ग्रीजी प्रिपरेशन है, ग्रीजीनेस है, दे आर फॉर एक्सटर्नल यूज ऑनली। उसको एक्सटर्नल यूज ही किया जाता है सिर्फ। ये इसकी डेफिनेशन थी ऑइंटमेंट की। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स। टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स जो हैं टू टाइप्स की हैं। एक है मेडिकेटेड ऑइंटमेंट, सेकंड है नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट। मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स दे कंटेन मेडिकमेंट्स डिसॉल्व और डिस्पर्स इन सूटेबल फैटी व्हीकल या फिर बेस और एज फाइन पाउडर। दे कंटेन मेडिकमेंट्स, उसमें जो है मेडिकमेंट्स हैं, मेडिसिन है, ड्रग्स हैं जो फैटी व्हीकल जो बेसिस होती हैं ऑइंटमेंट बेसिस, जो आगे हम कंपोजिशन में पढ़ेंगे इसकी बेसिस होती हैं। उसके अंदर जो है ड्रग को फाइन पाउडर की फॉर्म में मिक्स किया जाता है और फिर यूज़ किया जाता है।
एग्जाम्पल इसकी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट है जिसको स्किन के ऊपर यूज़ किया जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो सोजिश हो रही है स्किन के ऊपर, डिफरेंट जो है वो फॉर एग्जाम्पल दाने से निकल आए हैं, या कोई भी कंडीशन के लिए जो है वो उसको दी जा सकती है। पॉलीफिक्स ऑइंटमेंट भी जो है वो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट, दीज आर यूज एज व्हीकल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑइंटमेंट। व्हीकल के तौर पे यूज़ किया जाता है, मींस के बेस के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जस्ट जो है वो ड्रग को, मेडिसिन को ऐड किया जाता है और ऑइंटमेंट तैयार हो जाती है। दे कैन बी यूज फॉर देयर फिजिकल इफेक्ट्स। फिजिकल इफेक्ट्स के जब स्किन के ऊपर यूज़ किए जाते हैं उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं, इमोलियंट है, सूजन्स द स्किन। इमोलियंट इसका एक्शन है स्किन को जो है वो सॉफ्ट करती है और सूद करती है स्किन के अंदर, उसके ऊपर इरिटेशन जो है उसको ख़त्म करती है। एग्जाम्पल है इसमें सिंपल ऑइंटमेंट। सिंपल ऑइंटमेंट जो है वो उसको एज ए व्हीकल के तौर पे यूज़ किया जाता है, या फिर जस्ट फिजिकल इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए सिंपल ऑइंटमेंट को यूज़ किया जाता है। तो ये ऑइंटमेंट्स की टू टाइप्स थी, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट एंड नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट। मेडिकेटेड ऑइंटमेंट में जस्ट बेस जो है, हमारे पास ऑइंटमेंट बेसिस होती हैं, उसके अंदर हमने मेडिसिन को, ड्रग्स को जो है जस्ट ऐड करना है और ऑइंटमेंट रेडी हो जाएगी। नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट जो है वो सिंपल ऑइंटमेंट्स होती हैं जो एज ए व्हीकल के तौर पर वर्क करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ऑइंटमेंट। आइडियल ऑइंटमेंट जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नॉन सेंसिटाइजिंग। नॉन सेंसिटाइजिंग का मतलब ये है कि उसको यूज़ करके कोई सेंसिटिविटी प्रोड्यूस ना हो जाए, कोई रिएक्शन प्रोड्यूस ना हो जाए। नॉन सेंसिटाइजिंग होनी चाहिए वो, कि जब स्किन के ऊपर अप्लाई की जाए तो कोई रिएक्शन प्रोड्यूस ना हो ऑइंटमेंट की वजह से। नॉन इरिटेटिंग, इरिटेटिंग नहीं होनी चाहिए कि जब स्किन के ऊपर, म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किया जाए तो इरिटेशन नहीं हो, चुभन नहीं हो, तकलीफ ना हो उसे। मस्ट नॉट इम्पार्ट कलर टू स्किन। ऑइंटमेंट जब स्किन के ऊपर यूज़ करेंगे तो उसका कोई कलर नहीं होना चाहिए, स्किन के ऊपर आना चाहिए। नॉन ग्रीजी, नॉन ग्रीजी होना चाहिए। ग्रीजी मीन्स को ऑयली जो है वो ऑयल जो है वो उसमें ना हो ज़्यादा, ऑयली फॉर्म। वाटर वॉशेबल होनी चाहिए। वाटर वॉशेबल के वाटर से वॉश करें तो इजीली स्किन के ऊपर से उतर जाए, जो आइडियल ऑइंटमेंट है। न्यूट्रल इन रिएक्शन, रिएक्शन जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, मींस के उसका कोई रिएक्शन आपके ऊपर नहीं होना चाहिए ऑइंटमेंट यूज़ करने के बाद। स्टेबल फिजिकली एंड केमिकली, केमिकली और फिजिकली उसको स्टेबल होना चाहिए। जब वो स्टोरेज फॉर्म में, जब उसको पैकिंग हो तो उसमें जो है वो फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। गुड स्टोरेज क्वालिटीज होनी चाहिए उसकी। तो ये आइडियल ऑइंटमेंट की प्रॉपर्टीज है, नॉन सेंसिटाइजिंग, नॉन इरिटेटिंग, मस्ट नॉट इम्पार्ट कलर टू स्किन, नॉन ग्रीजी, वाटर वॉशेबल, न्यूट्रल इन रिएक्शन, स्टेबल फिजिकली एंड केमिकली, गुड स्टोरेज क्वालिटीज। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। कंपोजिशन ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट की कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलके जो है वो ऑइंटमेंट बनती है। मेडिसिनल एजेंट्स, मेडिसिनल एजेंट्स है उसमें। ऑइंटमेंट बेस, ऑइंटमेंट बेस होती है जिसमें पेट्रोलेटम है, लेनोलिन है, मिनरल ऑयल्स हैं, वैक्सीज हैं, वैक्सीज मिक्सचर्स हैं।
ऑइंटमेंट बेस होती है, बेसिक जो चीज़ होती है ऑइंटमेंट में, ऑइंटमेंट बेस होती है जिसके अंदर फिर मेडिसिनल एजेंट को मिक्स किया जाता है और ऑइंटमेंट तैयार होती है। ऑइंटमेंट बेसिस भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, आपके इसमें सिलेबस में डिटेल नहीं है, लेकिन हर ऑइंटमेंट बेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट क्वालिटी होती है इसकी, और उसको अकॉर्डिंग टू यूज़ किया जाता है कि कौन सी ऑइंटमेंट हमने बनानी है और उसमें कौन सी ऑइंटमेंट बेस हमने यूज़ करनी है और किस पर्पस के लिए वो ऑइंटमेंट इस्तेमाल हो रही है, स्किन के लिए हो रही है या म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए हो रही है, ये भी डिपेंड करता है। तो ऑइंटमेंट बेस जो है पेट्रोलेटम है, लेनोलिन है, मिनरल ऑयल्स हैं, वैक्सीज एंड फिक्सचर्स हैं। प्रिजर्वेटिव्स में आ जाता है फिनोल या फिर बेंजोइक एसिड। तो ये इसकी कंपोजिशन है, मेडिसिनल एजेंट होता है उसमें, ऑइंटमेंट बेस होती है और प्रिजर्वेटिव, ये तीन मेन चीज़ें होती हैं जिससे मिलके जो है वो ऑइंटमेंट बनाई जाती है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन किस तरीकों से जो है वो ऑइंटमेंट को प्रिपेयर किया जा सकता है, मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन या फिर फ्यूजन मेथड। दो मेथड हैं, मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन एंड फ्यूजन मेथड। मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन, मेडिकमेंट्स आर मिक्स विद सुटेबल बेस बाय ट्रिचुरेटिंग इन वाटर और ऑन अ ग्लास स्लैब विद अ स्पैचुला। मेडिकमेंट्स को मिक्स किया जाता है सुटेबल बेस, हमने बेसिस पढ़ी हैं ऊपर कंपोजिशन में कौन कौन सी बेसिस हैं, सुटेबल बेस को जो है मेडिकमेंट्स के साथ मिक्स किया जाता है, या तो हम ट्रिचुरेशन करेंगे मोटर में या फिर हम ग्लास स्लैब में स्पैचुला को यूज़ करते हुए इनकॉर्पोरेशन करेंगे, मिक्स करेंगे बेस को और मेडिकमेंट्स को। द मेडिकमेंट्स इज मिक्स्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस एंड देन द रिमेंडर ऑफ द बेस इज एडेड ग्रेजुअली एंड ट्रिचुरेटेड और विद स्पैचुला। स्मॉल अमाउंट में सबसे पहले बेस ली जाती है, उसके अंदर मेडिकमेंट्स को जो है वो मिक्स किया जाता है। इसके अलावा जो रिमेनिंग बेस होगी उसको फिर ग्रेजुअली उसके अंदर ऐड करके प्रॉपर मिक्सिंग की जाती है। इस तरह से जो है वो ऑइंटमेंट प्रिपेयर की जाती है मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन में, ये सिंपल तरीका होता है। या फिर ट्रिचुरेशन की जाती है उसमें मोटर में, दो तरीके हैं, स्पैचुला यूज़ करेंगे या फिर ट्रिचुरेशन करेंगे इनकॉर्पोरेशन के लिए ऑइंटमेंट बेस की और मेडिकमेंट्स की। नेक्स्ट है फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड, ऑइंटमेंट्स हैविंग सॉलिड वैक्स लाइक इंग्रेडिएंट्स, बीज वैक्स और हार्ड पैराफिन, तो ऑइंटमेंट्स जो हैं उसमें सॉलिड वैक्स लाइक इंग्रेडिएंट्स जिसमें हों उनको क्या किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल बीज वैक्स है और अगर हार्ड पैराफिन है, आर प्रिपेयर बाय मेल्टिंग द इंग्रेडिएंट्स इन पोर्सिलिन डिश ओवर वाटर बाथ। के ऑइंटमेंट में अगर हार्ड वैक्सीज हैं उनको इस तरह से जो है मेडिसन्स में इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करना मुश्किल है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, उनको मेल्ट किया जाएगा वैक्सीज को, हार्ड पैराफिन है या बीज वैक्स है सबसे पहले उसको मेल्ट करना है। पोर्सलिन की डिश है या फिर स्टेनलेस स्टील की डिशेज हैं उसके अंदर हम वाटर बाथ के ऊपर मेल्ट करते हैं। द यूजल मेथड इज़ टू मेल्ट द सब्सटेंस विद द हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट एंड देन एड अदर इन्ग्रीडियंट इन ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले जो है वैक्सीज को मेल्ट किया जाता है, उसके बाद जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं मेडिकमेंट्स हैं उसको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। फ्यूजन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले मेल्ट करते हैं वैक्सीज को, सॉलिड वैक्सीज होती हैं उसके अंदर डायरेक्टली
इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना, ड्रग को ऐड करना जो है वो मुश्किल होता है, इसलिए सबसे पहले उसको मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। तो ये ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन है मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन एंड फ्यूजन मेथड, दो तरीक़ों से जो है वो ऑइंटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद है फिलिंग ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट की फिलिंग कैसे होती है? हैंड फिलिंग है या फिर मशीन फिलिंग है? हैंड फिलिंग में आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से जो है ट्यूब्स अगर बनानी है उसके अंदर फिलिंग की जाती है, या फिर आपके पास जार है, प्लास्टिक जार है, उसके अंदर ऑइंटमेंट को फिल किया जाता है। हैंड फिलिंग इस तरह से होती है, जबकि मशीन फिलिंग होती है, ट्यूब फिलिंग मशीन्स होती हैं जिसके नीचे ट्यूब रखी जाती है उसकी खाली, और उसके अंदर जो ऑइंटमेंट जो है उसकी फिलिंग होती है। तो ये हैंड फिलिंग और मशीन फिलिंग, मशीन जो है इस तरह की मशीन यूज़ होती हैं फिलिंग के लिए, और हैंड फिलिंग जो है वो हाथों से की जाती है। यूजेस ऑइंटमेंट में भी यूज एज इमोलियंट, ऑइंटमेंट में आल्सो भी यूज एज प्रोटेक्टिव एजेंट। इमोलियंट के तौर पे यूज़ किया जाता है स्किन के ऊपर जो है स्किन को सूद करने के लिए, स्किन को इमोलियंट एक्शन के लिए जो है स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, सॉफ्टनेस के लिए ऑइंटमेंट को यूज़ किया जाता है, या फिर प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पर। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलीफेक्स यूज़ कर रहे हैं तो स्किन जो है उसमें इंजर हो गई है, कट लग गया है, तो वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी स्किन को, एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरेज एंड पैकिंग, ऑइंटमेंट शुड बी पैक इन सच अ वे दैट देयर आर नो एयर स्पेसेस इन द कंटेनर। ऑइंटमेंट शुड स्टोर एट कूल प्लेस। ऑइंटमेंट को इस तरीके से पैक किया जाए कि इसके अंदर एयर स्पेसेस ना हो, अंदर एयर स्पेसेस की वजह से ऑइंटमेंट ख़राब भी हो सकती है। कूल प्लेस में इसको स्टोर करना है। इट शुड बी लेबल्ड एज एक्सटर्नल यूज़ ओनली, और इसके ऊपर लेबलिंग होनी चाहिए एक्सटर्नल यूज़ ओनली, कि इसको एक्सटर्नली सिर्फ यूज़ किया जा सकता है। एग्जांपल्स, इस डेली लाइफ में जो है उसमें उसकी बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट जो है ऑइंटमेंट उसको यूज़ किया जाता है। एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट है, कैलामिन ऑइंटमेंट है। कैलामिन ऑइंटमेंट जो है वो स्किन सूद करने के लिए, सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो कैलामिन ऑइंटमेंट को यूज़ किया जाता है। एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट है, ये जो है आईज़ की, आईज़ की किसी भी कंडीशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, पॉलीफिक्स मैंने आपको कहा था ये ऑइंटमेंट है, इसको भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स ऑइंटमेंट्स होती हैं स्किन की डिजीज़ के लिए, डिफरेंट कंडीशंस के लिए जो है वो फिर ऑइंटमेंट्स को यूज़ किया जाता है। तो ये ऑइंटमेंट्स का आज का टॉपिक था, आज की डोजेज फॉर्म थी ये। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने ऑइंटमेंट में टाइप्स एंड प्रिपरेशन जो है उनकी असाइनमेंट बनानी है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।